तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं BFS यानी कि ट्रैवर्सर ट्रैवर्स अ ग्राफ यूजिंग क्यू, या फिर BFS सर्च ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, आसान सा है, तो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन इसकी वर्किंग देते हैं। अ ग्राफ ट्रैवर्स इज विजिटिंग एवरी वर्टेक्स एंड एज एग्जैक्टली वंस इन वेल डिफाइंड ऑर्डर। द BFS इज ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम वेयर वी स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम अ सिलेक्टेड नोड और सोर्स और स्टार्टिंग नोड। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अ ग्राफ इज़ द विजिटिंग एवरी वर्टेक्स। तो ये जो ट्रैवर्सिंग होती है वो एवरी वर्टेक्स को विजिट करके परफॉर्म होती है। एग्जैक्टली एट वन टाइम उसको विजिट किया जाता है इन वेल डिफाइंड ऑर्डर से, ठीक है। तो BFS इज़ द ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम वेयर वी स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम अ सिलेक्टेड नोड। तो जहाँ से अपन सिलेक्ट करते हैं वहाँ से अपन उसको ट्रैवर्सिंग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रैवर्स अ ग्राफ एंड ट्रैवर्स अ ग्राफ लेयर वाइज एज अ क्यू मीन्स नियर नंबर नोड दैट डायरेक्टली कनेक्ट टू सोर्स नोड। तो यहाँ पे क्या होता है, BFS एल्गोरिदम नेवर स्टार्ट अपना लेवल वाइज विजिटिंग करता है, लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करता है। एक एक लेवल रहती है ट्री की। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे अपन एक छोटी सी ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। अगर अपने वाली ये ट्री है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में इस ट्री पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये वाला क्या करता है, मतलब जब तक हमारा करंट नोड मतलब करंट लेयर में के सारे नोड जब तक हमारे विजिट नहीं होते हैं, तब तब तक हम इस नोड मतलब जो करंट नोड के हम जो चाइल्ड होंगे वहाँ तक उनको हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं BFS एल्गोरिदम में, BFS ट्रैवर्सर में। मतलब समझा क्या आपको, देखिए ये जो अपना करंट नोड है लेवल में, अभी देखिए ये अगर आप मानो तो ये 0 लेवल है, ये अपना वाली 1 लेवल है, ये अपना वाला 2 लेवल है। तो फर्स्ट लेवल में जब तक हमारे अपने वाले सारे एलिमेंट जब तक विजिटेड नहीं होते हैं, तब तक अपन कि किसी एक नोड के जो चाइल्ड होते हैं, जैसे कि इस नोड के ये वाले 2 चाइल्ड है, तो इसको अपन विजिट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले अपने अपने को इसको विजिट करना होगा, फिर उसके बाद में इसको करना होगा, फिर अपन नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे डायरेक्टली। इसको विजिट करके डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इसको विजिट करके डायरेक्टली अपने को यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो BFS का ये सिंपल सा एल्गोरिदम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यू इज इक्वल टू वी यानी कि विजिटेड वर्टेक्स इन द क्यू, और विजिटेड को अपन डिफाइन कर देते हैं 1 से, यानी कि मतलब 1 यानी कि वो विजिट हो गया ऐसा। फॉर ऑल वर्टेक्स डब्ल्यू एडजसेंट फ्रॉम यू, तो सारे के सारे वर्टेक्स जहाँ तक डब्ल्यू से एडजसेंट है फ्रॉम यू तक, वो अपन वहाँ तक अपना वाला लूप चलने वाला है। और विजिटेड ऑफ डब्ल्यू हमारा 0 चाहिए, यानी कि विजिटेड वो नोड विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं विजिटेड है तो अपन उसको विजिटेड कर लेंगे, ठीक है। अगर अगर वो विजिटेड मतलब और लूप ख़त्म होने के बाद में जब अपना वाला क्यू एम्प्टी होता है, इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी देन रिटर्न कर देते हैं, या फिर डिलीट करेंगे, अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे डिलीट करेंगे, ऐसा करते करते हमारा क्यू पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपना वाला BFS सर्च एल्गोरिदम वर्क होता है। और यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है वो अपन देख लेते हैं। इन दिस एल्गोरिदम फर्स्ट मूव हॉरिजॉन्टली एंड विजिट ऑल द नोड्स ऑफ द करंट लेयर, देन मूव टू द नेक्स्ट लेयर, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। उसके बाद में वी हैव टू लूप द क्यू अंटिल द क्यू इज नॉट एम्प्टी। क्यू को अपन लूप लगाते हैं जब तक अपनी वाली क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। देन वी रिमूव वर्टेक्स फ्रॉम क्यू हुज नेवर इज नाउ विजिटेड, मतलब जब जब हमारा नोड विजिटेड हो जाता है तो उस क्यू को अपन उसे हम क्यू से निकाल देते हैं। तो ये अपना वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे सबसे पहले 5 को विजिट किया, उसके बाद में 1 को, 2 को, उसके बाद में 3 को, इस तरीके से अपन विजिट करते करते जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन ने 5 को क्यू में डाला, उसके बाद में 1 को डाला,
उसके तो 5 को विजिट होने के बाद में हमने हमने उसको निकाल डाला, 1 को भी निकाल डाला, ऐसे जो जो विजिट हो जाएंगे उसको उसको अपन निकाल देते हैं। हियर वी सी दैट वी एपेस विल ट्रैवर्स थ्रू द लेवल वाइज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, द विजिटेड नोड आर पुशिंग टू क्यू एंड मार्क देम एज विजिटेड। तो इस तरीके से अपन उनको विजिटेड भी मार्क करवा देते हैं जैसे जैसे अपन विजिटेड करते जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के बाद बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।